खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। पुलवामा में हुए बर्बर आतंकी हमले को 3 दिन हो गए। यह हमले के दिन ही पता चल गया था कि इसके पीछे कौन है। हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकी मौलाना मसूद अजहर ने यह हमला करवाया था, वो भी पाकिस्तान में बैठकर। लेकिन अब भारत के किसी संभावित एक्शन से मसूद इतना डरा हुआ है कि अपनी जान बचाने के लिए नए नए बिल खोज रहा है। पाकिस्तान मसूद के रोजाना ठिकाने बदल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान को तो मसूद चाहिए जिंदा या मुर्दा। वो पुलवामा के बर्बर हमले का मास्टरमाइंड है। वो हिंदुस्तान के 40 जांबाज सिपाहियों का गुनहगार है। वो हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर एक है। उस आतंकी सरगना का नाम है मौलाना मसूद अजहर। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का आका, पाकिस्तान के बहावलपुर का रहने वाला। वो मसूद अजहर ही है जिसके आतंकी गिरोह जैश ए मोहम्मद ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर बर्बर हमले के बाद जिम्मेदारी लेने में जरा भी देरी नहीं की, जिससे साफ हो गया कि सीआरपीएफ को निशाना बनाने का पूरा प्लान मसूद के जहरीले दिमाग से ही निकला था। आतंकवाद की वहां पे की तरफ से रीथिंकिंग हो रही थी लड़कों के बीच में, उनको लग रहा था कि ये इससे मसले हल नहीं होंगे। तो पाकिस्तान ने कराया भी इसीलिए कि दोबारा से आतंकवाद में जाम के जान डालने के लिए। और वो एक बड़ा ऑपरेशन में हमने देखा हर 4-5 साल पे, 3-4 साल पे वो करते हैं ताकि ग्लोबल न्यूज में कश्मीर बना रहे। आखिर मसूद अजहर अब तक छुट्टा कैसे घूम रहा है? आखिर मसूद अजहर को बचा कौन रहा है? आखिर मसूद अजहर का आका कौन है? इन सारे सवालों के जवाब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि पाकिस्तान का रहने वाला मसूद अजहर हिंदुस्तान का कितना बड़ा गुनहगार है। 90 के दशक में मसूद अजहर कश्मीर घाटी में आतंकी वारदातों में शामिल रहा था। 1994 में उसे श्रीनगर से गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन वो सुर्खियों में आया दिसंबर 1999 में, जब IC-814 विमान को हवा में ही हाईजैक कर लिया गया। ये विमान 180 यात्रियों के साथ काठमांडू से दिल्ली आ रहा था। अपहरणकर्ताओं ने यात्रियों को छोड़ने के बदले भारतीय जेल में बंद 3 आतंकियों को छोड़ने की शर्त रखी। उन 3 आतंकियों में से एक मौलाना मसूद अजहर भी था। विमान यात्रियों की जान बचाने के लिए तब वाजपेयी सरकार ने आतंकियों को छोड़ने का निर्णय लिया। उस वक्त के विदेश मंत्री जसवंत सिंह मसूद अजहर समेत 3 आतंकियों को जेल से छुड़ाकर अपने साथ विमान में कंधार ले गए और मसूद अजहर को उसके साथी अपहरणकर्ताओं के हवाले कर दिया गया। तब से लेकर आज तक मसूद अजहर भारत सरकार के लिए आंख की किरकिरी बना हुआ है और परेशानी का सबब भी। 1999 में मसूद अजहर को छोड़ने का नतीजा देश आज तक भुगत रहा है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद बनाया और भारत पर आतंकी हमले शुरू कर दिए। इन बड़े हमलों में शामिल हैं साल 2000 में श्रीनगर के बादामी बाग में सेना मुख्यालय पर आत्मघाती हमला, साल 2001 में विस्फोटकों से भरी कार से जम्मू कश्मीर विधानसभा में हमला, साल 2001 में दिल्ली में देश की संसद पर आतंकी हमला, साल 2016 में पंजाब के पठानकोट में वायुसेना स्टेशन पर हमला, साल 2016 में ही जम्मू कश्मीर के उरी में सेना कैंप पर हमला,
और अब साल 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर बर्बर अटैक। आर्मी से अटैक करने पे वो सोचते थे कि उनको ज्यादा सपोर्ट कश्मीर के घाटी के लोगों की मिलेगी, तो वो उन्हीं ने रखा था। हुकूमत का शुरू में तो रुझान था कि संसद और सेना और पुलिस के ऊपर प्लानिंग करना, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्होंने ये भी तय किया था कि अगर सिविलियन भी मरते हैं तो भी वो ऑपरेशन को अंजाम देंगे। हिंदुस्तान को हिला देने वाले इन बड़े आतंकी हमलों का इकलौता मास्टरमाइंड है मौलाना मसूद अजहर। इस बार तो उसने अपने लोकल आत्मघाती आतंकी तैयार करके एक नई चुनौती पेश कर दी है। इस तरीके का फिदाइन हमला लोकल को इस्तेमाल करके पहली बार हुआ है, तो मैं मानता हूं कि ये इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई दिशा दे रहा है, और वो दिशा सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा और कश्मीरी जनता के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लोगों के होने की वजह से पाकिस्तान को काफ़ी आसानी थी, ट्रेनिंग दो, भेज दो उनको वहाँ से लेके। इससे पहले ये होता था कि उनको अफगान, पाकिस्तानी या दूसरे नागरिक आते थे ज़्यादा तादाद में यहाँ पे भारत के ऊपर, उनको इन्फिल्ट्रेट करा के ये भेजते थे ऑपरेशन। अभी लेकिन मसूद अकेला नहीं, उसके सर पर जिन जिन का हाथ है वो हैं नंबर एक पाकिस्तान की सेना, नंबर दो पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI, और नंबर तीन पाकिस्तान की सरकार। ये आईडी वॉरफेयर जो है, अगर इसको पाकिस्तान आगे चला रहा है, मैं तो मानता हूँ पाकिस्तान चला रहा है। मैं अजहर मसूद तो एक उनका एक सिपा सालार है जो उसको आगे बढ़ा रहा है, लेकिन हुक्म तो पाकिस्तान आर्मी ही निकालती है इसका। तो अगर ये ऐसे चलता रहेगा तो कश्मीर में जो है हालात खराब हो जाएंगे और लोगों का भी बहुत नुकसान हो जाएगा। मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का टारगेट एरिया भले जम्मू कश्मीर हो, भले ही वो कश्मीर में गड़बड़ियां फैलाता हो, लेकिन वो ऑपरेट करता है पाकिस्तान से, पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ हमले की प्लानिंग करता है और पाकिस्तानी सेना और ISI से उसे खाद पानी मिलता है। लेकिन जिस कदम पर पाकिस्तान मसूद अजहर को बचाए हुए है वो देश है चीन। आखिर मसूद को चीन कैसे बचा रहा है ये बताएंगे आगे। मसूद अजहर पिछले करीब दो दशक से भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ है, लेकिन उसका आका सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है, अब तो चीन भी उसके साथ खड़ा है। हिंदुस्तान के इस मोस्ट वांटेड को चीन हर प्लेटफॉर्म पर बचा रहा है, तो आखिर मसूद अजहर के पीछे चीन का खेल क्या है? दुश्मन हिंदुस्तान का बैठा है पाकिस्तान में, उसका आका चीन। जी हां, हिंदुस्तान में आतंकी हमले करवाने वाले मसूद अजहर के तार जुड़े हुए हैं चीन से, उस चीन से जिसके लिए भारत एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है, वही चीन जिसकी कंपनियां भारत से न जाने कितना पैसा बटोर कर अपने यहां ले जा रही हैं, वही चीन आतंक के सरगना मौलाना मसूद अजहर का मालिक है। उसी चीन की सरपरस्ती में भारत में हमले करवा रहा है मसूद अजहर। उनको वो एक तरफ तो $62 बिलियन की एड दे रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे, इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पे, और उसकी इकोनॉमी को भी रिवाइव कर रहा है, उसके साथ डिफेंस प्रोडक्शन भी बना रहा है, और फिर पाकिस्तान उसके बदले में कई काम करता है। तब तो भारत को कंटेन करने का काम करता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो नेशनल, चाइना के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको अरब देशों में प्रमोट भी करता है। पाकिस्तान जो पैक हुआ है, सी पैक उसको कहते हैं, मैंने एक तकरीर में कहा था कि ये सी पैक जो है राहदारी नहीं है, बल्कि ये सी पैक कंट्री पैक है। और आज मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान ने चाइना को, फौज ने पाकिस्तान दे दिया है, चाइना के हवाले कर दिया है।
दरअसल जब भी संयुक्त राष्ट्र परिषद में मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों की सूची में डालने की भारत ने कोशिश की है, तब तब चीन ने उसमें अड़ंगा डाला है। सुरक्षा परिषद में जब भी अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस ने मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट करवाने की कोशिश की, चीन ने ठोस सबूत न होने की बचकाना दलील देकर उसका बचाव किया। और 14 फरवरी को जब पुलवामा में अटैक हुआ तब भी चीन ने कुछ ऐसा ही किया। चीन ने पुलवामा हमले को लेकर हैरानी जताई, लेकिन मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने की मांग को खारिज कर दिया। संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध सूची में किसी व्यक्ति और संगठन को तब शामिल किया जाता है जब वो उसकी शर्तें पूरी करता है। ये परिषद के सभी सदस्यों का दायित्व है कि वो सुनिश्चित करें कि शर्तों का अनुपालन हो। अजहर की जो संस्था है जैश मोहम्मद, उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो एजेंसी है उसने तो आतंकवादी घोषित कर रखा है, लेकिन मसूद अजहर को नहीं हुआ है, जिसको चाइना रोक लेता है। अजहर मसूद का जहां तक मसला है वो उनको आतंकवादी घोषित नहीं करने देता, तो पाकिस्तान को वो अपने अच्छी बुक में रखता है और भारत के खिलाफ ही उसका। चीन संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद का एकमात्र ऐसा देश है जो हर बार मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किए जाने के प्रस्ताव का विरोध करता रहा है। भारत ने इस बाबत कई बार प्रस्ताव रखा संयुक्त राष्ट्र में, लेकिन चीन ने हर बार वीटो लगा करके मसूद अजहर को बचा लिया। इस पर संयुक्त राष्ट्र में काम कर चुके कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट किया, लिखा, जैश ए मोहम्मद ने पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली और ये ऐसा संगठन है जिसे चीन का संरक्षण प्राप्त है और संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति में चीन उसे बचाता रहता है। क्या हुआ उस वुहान जज्बे का जिसकी बीजिंग और मोदी बात करते थे? क्या उस जज्बे के तहत दोनों आतंक पर जैश पर प्रतिबंध लगाकर नियंत्रण कर सकते हैं? दरअसल डोकलाम विवाद के बाद अप्रैल 2018 में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन के शहर वुहान में बैठक की थी। तब कुछ उम्मीदें जगी थी, लेकिन मसूद अजहर और पाकिस्तान पर चीन के रुख में कोई बदलाव नहीं आया, यानी भारत के दुश्मन नंबर एक का दोस्त है चीन। लेकिन चीन भूल रहा है कि मसूद अजहर जैसे भस्मासुर किसी दिन उसको भी तबाह कर देंगे। पुलवामा हमले के बाद भारत के सख्त एक्शन के संकेतों से पाकिस्तान में खलबली मच गई है और सबसे ज्यादा दहशत में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के संरक्षण में चल रहे लॉन्च पैड से भी आतंकियों को शिफ्ट करके उन्हें सुरक्षित ठिकानों की तरफ ले जाया जा रहा है। पुलवामा के मास्टरमाइंड को अब जान के लाले पड़ गए हैं। पाकिस्तान में भागा भागा फिर रहा है मसूद अजहर। मसूद अजहर को सीक्रेट ठिकानों पर छिपाने में जुटा है पाकिस्तान। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायीन हमला कराने वाले हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर को अब अपनी जान का डर सता रहा है। उसकी नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान में मसूद अजहर पिछले दो दिन में 3 ठिकाने बदल चुका है। पाकिस्तानी सेना ने मसूद की सुरक्षा बढ़ा दी है। हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर एक को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुलवामा हमले के बाद मसूद अजहर इतनी दहशत में है कि उसने खुद पाकिस्तान सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। लेकिन सिर्फ मसूद अजहर ही नहीं डरा हुआ है, बल्कि भारत की संभावित प्रक्रिया के डर से पाकिस्तान में पल रहे दूसरे आतंकियों में भी खलबली मची हुई है और आतंकी दुम दबाकर भाग रहे हैं। एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के लॉन्च पैड खाली कराए जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान में कुल 27 लॉन्च पैड इस समय हैं, जहां आतंकी मूवमेंट दिखाई दे रहा है। इन आतंकियों को पाकिस्तानी सेना के कैंपों में पनाह दी जा रही है। ये लॉन्च पैड एलओसी से करीब 500 से 3 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान की सीमा में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बड़ी तादाद में आतंकी इन लॉन्च पैड से भारत में घुसपैठ करने की फिराक में थे, लेकिन अब भारत के हमले के डर से वो छिपने की जगह ढूंढ रहे हैं।
एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर ये मिली है कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर के भतीजे उस्मान हैदर की मौत का बदला लेने के लिए पुलवामा में हमला किया गया। पिछले साल 31 अक्टूबर को मसूद अजहर का भतीजा एनकाउंटर में मारा गया था। पहले आतंकियों की प्लानिंग कैंप पर या बारूदी सुरंग बिछाकर सुरक्षा बलों पर हमला करने की थी। तीन बार कैंप पर फिदायीन हमले की कोशिश भी हुई लेकिन नाकाम रही। इस कोशिश में जैश के 12 से ज्यादा आतंकी भी मारे गए। इसके बाद जनवरी महीने में जैश ने विस्फोटक से भरी कार के जरिए हमले की साजिश रची। इस बीच पुलवामा हमले की जांच के लिए एनएसजी की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलवामा के लेथपुरा में जहां हमला हुआ वहां एनएसजी की टीम ने छानबीन की। इस हमले की शुरुआती जांच में बड़ी जानकारी ये मिली है कि जिस कार को सीआरपीएफ के काफिले से टकराया गया वो करीब 2 मिनट तक काफिले के साथ साथ चलती रही। इस हमले के बाद जम्मू में जो हिंसा हुई थी उसके बाद से वहाँ कर्फ्यू आज भी जारी रहा। जम्मू में आज कर्फ्यू का तीसरा दिन है और कर्फ्यू का असर किस तरह जम्मू में दिख रहा है, मैं इस समय जम्मू के चर्चित रघुनाथ बाजार में हूँ जो हमेशा पर्यटकों से और सैलानियों से भरा रहता है, लेकिन अगर आज आप देखें तो इस बाजार में अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो वो सिर्फ सुरक्षा बलों के वाहन, जम्मू कश्मीर पुलिस के वाहन और अर्धसैनिक बलों के वाहन। दरअसल शुक्रवार को जम्मू बंद था, पुलवामा में जो हमला हुआ उसके बाद उसके विरोध में जम्मू बंद बुलाया गया था जिस दौरान हिंसा हुई और उसके बाद यहाँ प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया। आज तीसरा दिन है कर्फ्यू का और कर्फ्यू में पिछले 3 दिनों से कोई डील नहीं दी गई है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।